मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म कुल गुण और चतुराई का कोई मूल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले की है। कॉस्मोलॉजी का ज्ञान हो या भौतिकी के सिद्धांत, आज वैज्ञानिक पूरी तरह से मान चुके हैं कि इन सब की जड़ें हिंदू सनातन धर्म से ही जुड़ी हैं। पैरेलल यूनिवर्स, स्ट्रिंग थ्योरी, रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन आदि के सिद्धांत जो अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं, उन सब का जिक्र ऋग्वेद में पहले से ही किया जा चुका है। आयनिक प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे डेवलप करने के लिए नासा दिन रात लगा हुआ है, उस प्रोपल्शन सिस्टम का जिक्र विमानिका शास्त्र में कई सालों पहले ही कर दिया गया था। हमें नाश होना चाहिए अपने हिंदू होने पर। पश्चिम के लोग भी हिंदू धर्म के आकर्षण से अछूते नहीं हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग भी अब हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि शादी और अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करवाना पसंद करते हैं। बेहद शर्म की बात है कि आज की 75% हिंदू युवा पीढ़ी सेक्युलर होने का ढोंग कर हिंदू धर्म को नीचे गिराने की कोशिश में लगी है। ऐसे बददिमाग लोग हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को ढोंग बताकर या तो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगते हैं या फिर सेक्युलर होने का ढोंग कर कट्टर हिंदू भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो मान चुके हैं कि हिंदू धर्म ही सच्चा धर्म है, सनातन धर्म ही जीने का सही तरीका है। दोस्तों, पहली हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जूलिया रॉबर्ट्स। उन्होंने हिंदू धर्म तब अपनाया जब वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई। शूटिंग के दौरान एक बार उनकी नजर हनुमान जी की एक मूर्ति पर पड़ी और तब से उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने का मन बना लिया। जूलिया रॉबर्ट्स हर साल दिवाली का त्योहार भी बेहद धूमधाम से मनाती हैं। दूसरे हॉलीवुड एक्टर हैं यू जैकमैन। वोल्वरीन के किरदार करने वाले इस अदाकार को कौन नहीं जानता, पर बेहद कम लोग जानते हैं कि जैकमैन भगवत गीता और उपनिषदों को फॉलो करते हैं। इन्होंने ऋग्वेद और मुंडक उपनिषद का बारीकी से अध्ययन किया है। जैकमैन संस्कृत में छपे एक मंत्र की अंगूठी भी हमेशा पहने रहते हैं। इस अंगूठी पर लिखा है ओम परामर मैनामर। तीसरी हॉलीवुड सेलिब्रिटी है एंजेलिना जॉली। ये कहा जाता है कि एंजेलिना गीता का पाठ करना बेहद पसंद करती हैं और भगवान कृष्ण को अपना भगवान मानती हैं। हमारे चौथे सेलिब्रिटी को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। ये है मार्वल यूनिवर्स के आयरन मैन। जी हाँ दोस्तों, वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हमारे आयरन मैन भगवान कृष्ण के कट्टर भक्तों में से एक है। यही वजह है कि ये इस्कॉन से भी जुड़े हैं और जब भी मौका मिलता है भगवान कृष्ण या इस्कॉन के मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण के सामने माथा जरूर टेकते हैं। पांचवे हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं मडोना। मडोना को हिंदू रीति रिवाजों से बेहद ही लगाव है। यही कारण है कि उन्हें हिंदुओं जैसा पहनावा धारण करना बेहद ही पसंद है। मडोना को जब भी समय मिलता है वो अपने घर के समीप स्थित मंदिर की आरती में जरूर भाग लेती है। हमारी छठी सेलिब्रिटी है माइली साइरस। इस 24 वर्षीय पॉप सिंगर को कौन नहीं जानता, पर एक वक्त ऐसा भी था जब माइली साइरस बेहद डिप्रेशन में थी और उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश भी की, परंतु जब एक मित्र के कहने पर माइली साइरस ने हिंदू मित्रों के द्वारा
ध्यान लगाना शुरू किया तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में माइली सायरस ने बताया था कि आज वो जो कुछ भी हैं हिंदू धर्म की वजह से है। माइली सायरस को लक्ष्मी पूजा करना बेहद पसंद है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर इनकी पूजा करते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सातवें हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं ब्रैड पिट। हम सब जानते हैं कि ब्रैड पिट एंजेलिना जॉली के पति हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पति देव पत्नी की हिंदू भक्ति से अछूते रहे। ब्रैड पिट हिंदू धर्म पर विश्वास भी करते हैं और इसका पूरा सम्मान भी। आठवें सेलिब्रिटी हैं जॉर्ज हैरिसन। बीटल्स बैंड को कौन नहीं जानता, ये इसी बैंड में गिटार बजाते हैं। सन 1960 में हैरिसन ने ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया, साथ ही साथ अपने बैंड के और मेंबर्स को भी हिंदू धर्म अपनाने को प्रेरित किया। इनकी मृत्यु 2001 में हुई। आप यकीन नहीं करेंगे कि इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया और इनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। दोस्तों, हमारी नौवे सेलिब्रिटी हैं केटी पेरी। केटी पेरी भगवान कृष्ण की कट्टर भक्त हैं। उनका श्री कृष्ण की तरफ झुकाव का एक कारण उनके पति रसेल ब्रैंड हैं, जो खुद एक ब्रिटिश कॉमेडियन है। रसेल ब्रैंड ने 2010 में हिंदू धर्म अपनाया था और तब से ब्रैंड और केटी पेरी हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, हमारे आखिरी और सबसे दमदार हॉलीवुड एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन, यानी कि दी रॉक। एक इंटरव्यू में रॉक ने बताया कि वे विष्णु के नरसिंह अवतार से प्रभावित हुए थे और अपने WWE के करियर के दौरान हर फाइट से पहले नरसिंह भगवान का ध्यान किया करते थे। दोस्तों, सूची बेहद ही लंबी है। हम लगभग 100 हॉलीवुड सुपरस्टार्स के नाम गिना सकते हैं जो हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, अगर आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुक रहे युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो हिंदू सनातन धर्म को चारों दिशाओं में फैलाना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।